यही है कि यहाँ जितने कलश आएंगे तो इनका परिक्रमा होगा, यहाँ पर कलश रखा है, बाकी लोग वहाँ पर जाएंगे अपने पूजा के लिए, जो लेडीज लोग रहेंगे जेंट्स लोग रहेंगे। यूपी से बनाने का फायदा क्या क्या है? यही फायदा है, पानी में इसका गलेगा नहीं। बजरंग बली का मूर्ति बन रहा है 20 फीट का। 20 फीट का आप देख सकते हैं कि 20 फीट का यह मूर्ति है जो बजरंग बली का मूर्ति बन रहा है, और यहाँ पर अभी भी कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कब तक फाइनल हो जाएगा? 11 के रात तक हमको फाइनल देना है। 12 के सुबह में कलश यात्रा है। 12 के सुबह में कलश यात्रा है जी। 11 को फाइनल देना है। 11 को फाइनल देना है जी। तो आप देख सकते हैं 20 फीट ऊंचा मूर्ति है जो अब इसका कार्य हो रहा है, और इनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो इस मूर्ति के पास भी आएंगे। जी जी एकदम आएंगे, जरूर आएंगे, उन्हीं के भक्त हैं तो आएंगे ही। और उसके बाद इसका परिक्रमा किया जाएगा, और तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं जो मूर्ति को बना रहे हैं अपने हाथों से सांचा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मूर्ति बन रहा है, 20 फीट ऊँचा यह मूर्ति है हनुमान जी का, जो आप देख सकते हैं चारों तरफ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो मूर्ति है, विशाल मूर्ति बन रहा है बजरंग बली का, आप देख सकते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं जो कि बजरंग बली के भक्त हैं, तो ऐसे में यहां पर जरूर आएंगे, और सबसे पहले इन्हीं मूर्ति का परिक्रमा किया जाएगा कलश के दिन। तो इस मूर्ति का काफ़ी महत्व है, उसी को लेकर यह मूर्ति बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों ओर से 20 फीट ऊंचा मूर्ति है और इसका कार्य हो रहा है, और यहाँ देख सकते हैं व्हाइट सीमेंट से पूरा कार्य किया जा रहा है। व्हाइट सीमेंट है, पीओपी है, मतलब पीओपी से बनता है। हाँ, पीओपी से बनता है, इसमें बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में कहीं भी रह, सालों भर रह सकता है। अच्छा, ये मूर्ति सालों भर रह सकता है। पीओपी से बनाने का फायदा क्या क्या है? यही फायदा है, पानी में इसका गलेगा नहीं। ऐसे मूर्ति रहेगा कितने दिन तक? साल भर तक रहेगा। मतलब यहाँ पर अभी कितने दिन तक रहेगा? 5 दिन। 5 दिन? 5 दिन ही रहने वाला है, 17 तारीख तक। 17 तारीख तक। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 11 तारीख। 11 तारीख तक बनकर तैयार हो जाएगा? इतना जल्दी हो जाएगा? 2 दिन में? 4 दिन हो गया हम लोग को। 4 दिन से बन रहा है। तो भैया कब तक? 11 तारीख तक तैयार हो जाएगा। 11 के रात तक 12 बजे पहले तक हमको कम्प्लीट देना है। आपको कम्प्लीट देना है। और मूर्ति बना रहे हैं आप लोग, इसमें क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है एक बार दर्शकों को बताएं। इसमें नीचे से बेस में बांस का प्रयोग हो रहा है, फिर उसके बाद पुआल का, सुतली का, उसके बाद जूट है, बोरा है, पीओपी है, उसी से फिनिशिंग हो रहा है टोटल। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से कलरफुल मूर्ति होता है उसी तरीके से मशीन से सब कलर होगा, डिजाइन होगा, पेंट भी होगा। हाँ, पेंट भी होगा, टोटल कलरफुल मूर्ति होगा पूरा करके आपको। हाँ, नीचे पत्थर रहेगा, उसी पर वो खड़े हैं। अच्छा, पहाड़ी पर हैं वो खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मूर्ति बन रहा है, 20 फीट ऊंचा मूर्ति है हनुमान जी का, बजरंग बली का, और इसको तुरंत फाइनल करके देना है। और इसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है ताकि अगर बारिश भी आए तो ये मूर्ति गले नहीं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य बन रहा है यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने को लेकर, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बजरंग बली के भक्त हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा कार्य किया जा रहा है, देर रात भी कार्य हो रहा है, यहाँ पर शाम हो चुके हैं, तो इसी को लेकर अब तेजी में कार्य हो रहा है और रात तक यहाँ पर कार्य होता है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अभी हर एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।